गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आपका सब हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट 2 के अंतर्गत आने वाली कुछ डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी करेंगे। सो कमांड एरिया कैन बी डिफाइंड एज द एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय अ कैनाल सिस्टम। मीन्स कैनाल सिस्टम के द्वारा हम कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं, इसको हम कमांड एरिया कहते हैं। कमांड एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया एंड कल्टिवेबल कमांड एरिया। अब ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? ग्रॉस कमांड एरिया कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय अ कैनाल सिस्टम on the perception that unlimited quantity of water is available। तो वो पूरा एरिया जो कि हम थ्योरेटिकली उस कैनाल सिस्टम के द्वारा इरिगेट कर सकते हैं, और यह मानते हुए कि हमारे पास अनलिमिटेड वाटर क्वांटिटी अवेलेबल है इरिगेशन के लिए, तो उससे हम जो है कितना एरिया जो है इरिगेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। इट इज द टोटल एरिया दैट मे थ्योरेटिकली बी सर्व्ड बाय द इरिगेशन सिस्टम। दिस मे इंक्लूड इनहिबिटेड एरियाज, रोड्स, पॉन्ड्स, अनकल्टिवेबल एरिया एटसेट्रा विच वुड नॉट बी इरिगेटेड। तो इसमें तो हम जो है सारे एरियाज एक बार ले लेते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट की जो है बाउंड्री के अंदर जो आ रहे हैं, जैसे उसमें रेजिडेंशियल एरियाज भी ले सकते हैं, रोड्स भी, पॉन्ड्स भी, अनकल्टिवेबल एरियाज भी, जितने भी जो एरियाज हैं उनको जो है हम जो इस प्रोजेक्ट में की बाउंड्री में हम आ सकते हैं उनको हम कहते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। सो ये जो है इट इंक्लूड्स कल्टिवेबल एज वेल एज नॉन कल्टिवेबल एरिया। ओके, नाउ कल्टिवेबल कमांड एरिया जिसको हम CCA के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो कल्टिवेबल कमांड एरिया इज दैट पार्ट ऑफ GCA ऑन विच कल्टिवेशन इज पॉसिबल। अब हम GCA में से ग्रॉस कमांड एरिया में से वो पार्ट लेते हैं जिस पे जो है कल्टिवेशन पॉसिबल है। तो all of this cultivable area may not be sown or cultivated at a time। और हम जो है इसके अंदर वो सारी जो land है वो ले लेते हैं जहाँ जो है cultivable है, जहाँ cultivation possible है, लेकिन इसमें से हम उन parts को निकाल देते हैं जहाँ cultivation possible नहीं है। तो जो uncultivable areas हो गए जैसे ponds, reserve forest और रोड्स, ये हम जो है ग्रॉस कमांड एरिया में से माइनस कर देते हैं। तो कल्टिवेबल कमांड एरिया CCA कितना हो गया? GCA माइनस अनकल्टिवेबल एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया में से अनकल्टिवेबल एरिया को माइनस करने पर हमारे पास कल्टिवेबल कमांड एरिया प्राप्त होता है। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन? तो हम जो है जो CCA है, कल्टिवेबल कमांड एरिया है, उसका जो है सारा की सारा जो लैंड है हम एक ही बार में इरिगेट नहीं करते हैं। ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज ब्रॉट अंडर इरिगेशन सीजनली। हार्डली 30-40% ऑफ CCA विल बी इरिगेटेड एवरी सीजन। हर सीजन में हम कितना जो है करेंगे कल्टिवेबल कमांड एरिया का? 30-40% ही हम जो है इरिगेट करते हैं। सो दिस परसेंटेज ऑफ CCA प्रपोज टू बी इरिगेटेड सीजनली इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो कल्टिवेबल कमांड एरिया CCA का कितना परसेंटेज जो है हम इरिगेट करेंगे उस सीजन में, वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ इरिगेशन प्रपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली। यूजुअली द एरिया इज इरिगेटेड ड्यूरिंग ईच क्रॉप, means rabi or kharif, is expressed as a percentage of the CCA which represents the irrigation intensity of irrigation for the crop season। ki rabi mein humne kitna jo hai area jo hai percentage irrigate kiya hai, aur fir kharif mein humne jo hai kitna
जो है CCA का परसेंटेज हमने इरिगेट किया है। By adding the intensities of irrigation for all crop seasons, the yearly intensity of irrigation to be obtained. अब हमको yearly intensity अगर हमको निकालनी है तो हम दोनों जो seasons हैं उनकी intensity of irrigations को जो है हम add कर देंगे, तो ये हमारे पास intensity of irrigation की definition होती है।